कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी ने जोर आजमाई शुरू कर दी है और इसी बीच खबर है कि कांग्रेस कर्नाटक में रण जीतने के लिए अपने सहयोगी दलों की मदद लेने जा रही है। यानी आपको जल्द ही कर्नाटक के अंदर अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव भी प्रचार करते दिखाई देंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक में प्रचार के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की है। इसे 26 अप्रैल से अंजाम में लिया जाएगा। राहुल गांधी 26 अप्रैल से ही उत्तर कन्नड़ा से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी प्रचार नहीं कर रही हैं, इसलिए सहयोगी दलों की मदद ली जा रही है। ऐसे में एनसीपी नेता शरद पवार, सपा नेता अखिलेश यादव और राजद नेता तेजस्वी यादव कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। इन तीनों नेताओं के नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की संभावित लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम नहीं है। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी अपनी सेहत की वजहों से चुनाव प्रचार से दूर रहेंगी। आपको बता दें, जब से उत्तर प्रदेश में फूलपुर और गोरखपुर की सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, उसके बाद अखिलेश यादव का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। देखना होगा कि चुनाव प्रचार के बाद क्या जनता इन नेताओं की बात सुनकर वोट देगी। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।